नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छुट्टी में पाठ 9 फांसी मीरा में प्रकरण भाग में करेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले देखो बच्चे, विराम चिन्ह विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। क्या अर्थ होता है विराम का? रुकना। ठीक है, विराम चिन्ह का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? भाषा विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम अपनी बात को, ताकि जो हमारी बात है वो दूसरों को आसानी से समझ आ जा सके। ठीक है, विराम का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया, विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, भाषा के प्रयोग में लिखते या बोलते समय उचित स्थान पर रुकना आवश्यक है, इसे विराम देना कहते हैं। बोलते समय कभी हम कुछ अधिक देर के लिए रुकते हैं तो कभी हम बहुत कम देर के लिए रुकते हैं। रुकने की इस स्थिति को प्रकट करने के लिए करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो बोलते हुए कहाँ और कितना रुकना है, डेफिनेशन लिखेंगे विराम चिन्ह की। बोलते हुए कहाँ और कितना रुकना है, ओ कितना रुकना है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। कि विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना। बोलते हुए कहाँ और कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, विराम चिन्ह के प्रयोग से किसी भी बात को समझाना एवं लिखना क्या है, आसान हो जाता है। ठीक है, भाषा के प्रयोग में लिखते या बोलते समय हम बीच में क्या है, कभी रुकते हैं, कभी ज्यादा देर के लिए रुकते हैं तो कभी क्या है हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो रुकने की इस स्थिति को क्या कहते हैं, विराम देना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विराम देना कहते हैं। बोलते हुए कहाँ और कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख सकेंगे विराम चिन्ह। सबसे पहले देखिए पूर्ण विराम।
कौन सा चिन्ह? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? यस बताइए बच्चे, पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं? पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारा वाक्य क्या है, पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह हम इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे और इसका प्रयोग हम कब करेंगे? प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह जो है वो पूर्ण विराम कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वाक्य के अंत में, प्रत्येक वाक्य के अंत में, प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाने वाला, प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह, किए जाने वाला चिन्ह वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण विराम। ठीक है, जिसकी जब भी हमारा वाक्य क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो वाक्य के पूर्ण हो जाने पर हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे? पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा। जब भी हमारा वाक्य पूरा हो गया, हमारी बात पूरी हो गई, तो हमने कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया? पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया। ठीक है, वाक्य के समापक हो जाने पर हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। अभी अगला चिन्ह है आपका अलग विराम। अब अलग विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? अलग विराम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमा। और हिंदी में से बोलेंगे हम अलग विराम। अब अलग विराम का इस्तेमाल कर दिया जाता है दो या दो से अधिक शब्दों को या फिर दो वाक्यों को अलग करने की स्थिति में, जब हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उस समय हम अलग विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कब करते हैं अलग विराम का प्रयोग? दो से अधिक शब्दों को या फिर शब्दों को या दो वाक्यों को अलग करते समय हम अलग विराम का प्रयोग करते हैं। अलग विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखेंगे, जैसे कि देखिए बच्चे, मीना, शीना, मीना, शीना और नेहल अच्छी दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं। ठीक है, मीना, शीना और नेहर अच्छी दोस्त हैं। तो अब मैंने एक से अधिक शब्द यहाँ पर बोले, तो मैं बीच में रुकी। ठीक है, तो उस समय मैंने कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया? अलग विराम का इस्तेमाल किया। कौन से चिन्ह का इस्तेमाल?
जल्दी करो, नहीं तो बस चली जाएगी, नहीं तो बस चली जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैं दो वाक्यों को अलग कर रही हूँ, ठीक है। जल्दी करो, नहीं तो बस चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या, मैंने दो वाक्यों को अलग किया, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकी, तो उस समय मैंने कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल किया, अलग अलग विराम, ठीक है। लग गया बता आपको कि अलग विराम का हम प्रयोग कब करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को या फिर दो वाक्यों को अलग करते समय हम अलग विराम का प्रयोग करते हैं, अलग विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मीना, शीना और नेहा अच्छी दोस्त हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक से अधिक शब्द बोल रही है, बीच में रुकी तो मैंने अलग विराम का प्रयोग किया। अब नीचे जल्दी करो, नहीं तो बस चली जाएगी, जल्दी करो, तो यहाँ पर क्या है, दो वाक्यों को अलग दिखाया गया है, ठीक है। तो कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया गया, अलग विराम का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अगला चिन्ह है आपका प्रश्नवाचक, कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को हम प्रश्न सूचक भी कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह हम इस तरह से लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल कब किया जाता है, प्रश्न पूछे जाने पर, ठीक है। जब भी हम किसी से कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उस समय हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में कौन से चिन्ह का इस्तेमाल होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का, ठीक है। प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में, पर वाक्य के अंत में, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, इस वाक्य में मैं क्या है, प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में हमने कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्धविराम। अब अर्धविराम का प्रयोग हम कब करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमने क्या होता है, अलग विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम, दीर्घ स्थिति में जब हम बीच में रुकते हैं तो उस समय हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पूर्ण विराम से कम, पूर्ण विराम से, पूर्ण विराम से कम और अलग विराम से ज्यादा, और अलग विराम से विराम से ज्यादा देर रुकने की स्थिति में, ज्यादा देर तक
हैं कि स्थिति में हाँ में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं क्या बता आपको कि अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है? प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम से कम और अनर्विराम से ज्यादा देर तक की रुकने की स्थिति में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखेंगे सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया है, अंधकार दूर हो जाएगा। अब अंधकार दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम अर्धविराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम देर के बीच में रुके, तो हमने कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया? अर्धविराम का इस्तेमाल किया, ठीक है। अर्धविराम का प्रयोग कब करते हैं? पूर्ण विराम से कम अल्पविराम से ज्यादा देर तक की रुकने की स्थिति में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्योदय हो गया है, अंधकार दूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपका लास्ट विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल हम कब करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम क्या है अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब क्या है हम लोग अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो उस समय हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ये मन के भाव हमारे खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, हैरानी के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मन के भावों को प्रकट करते समय मन के भावों को प्रकट करते समय हम प्रकट करते समय वो आपको कौन से हो सकते हैं? दुख के भी हो सकते हैं, ठीक है, खुशी के भी हो सकते हैं, हैरानी के भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी की प्रशंसा कर रहे हो आप लोग, तारीफ कर रहे हो, या फिर भय के भी हो सकते हैं, डर के भी हो सकते हैं, ठीक है। मन के भावों को प्रकट करते समय जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, मन के भावों को प्रकट करते समय हम जिस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक। इस्तेमाल करते हैं उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं, ठीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल हम कब करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल हम अपने मन के भावों को जब प्रकट करते हैं उस
समय हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो इस तरह से लगाया जाता है आपका, इस तरह से, ठीक है। ये जो है ये कौन सा चिन्ह है आपका? विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। अब जैसे हाय मुझे, हाय मुझे चोट लग गई, हाय मुझे चोट लग गई, तो ये क्या है? हमारा मन का भाव है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया हमने? विस्मयादि बोधक चिन्ह का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है, ठीक है। तो ये क्या है? आपका मन का भाव है कि कोई चीज जो है आपको सुंदर लगी, ठीक है। तो आपने कौन से चिन्ह का इस्तेमाल किया? विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों। तो आपको लग गया पता कि विराम चिन्हों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? बोलते हुए कहां और कितना रुकना है, ठीक है। इस स्थिति को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। धन्यवाद।